मैं तब तक आपका एक गाना भी चला देता हूँ। रावल जी नमस्कार। थैंक यू शशि जी। सो आज के गेस्ट से उनको यहां लाने से पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगा। वैसे तो क्या बताएं, आप लोगों को बताइए, तो उनको हम पहले जो है सामने ही लाते हैं क्योंकि हम काफी लोग अब आ गए हैं। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हम लोग तालियां तो हम स्टेज पे बजाते हैं, तो यहाँ पे जितने हम लोग ज्वाइन कर सकें तो वही सबसे बड़ी तालियां हैं। थैंक यू। अभी काफी लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं नीरजा जी को आपके सामने लेके आ रहा हूं। नमस्कार नीरजा जी। नमस्कार। नमस्कार रमेश जी। और जो काफी टाइम से वेट हो रहा था कि आपके साथ भी एक मुलाकात करें, और ये बताएं कि आप लोगों को कि नीरजा जी को जब मैंने पहले इसके लिए बोला तो एकदम इट वाज रियली थैंक्स टू आर कि उन्होंने एकदम कहा कि ठीक है ज्वाइन करते हैं, एंड थैंकफुल टू यू नीरजा जी। अभी हमारे साथ 20-22 लोग जुड़ चुके हैं, तो सब आपको वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे देख रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल हाथ में यहाँ पे थोड़ा नाम नहीं आते, इसलिए मैं इधर नजर घुमाता हूँ कौन कौन जुड़ रहा है।
काफी लोग जुड़े। पमी अम्बादा जी नमस्कार, हरीश पंडित जी नमस्कार, रुकया अजीज थैंक यू, संजय जोशी जी भी, अगर किसी का नाम मिस करो डोंट फील इट, क्योंकि बार बार इधर देखना पड़ता है। सो आपका एक बार फिर तहे दिल से इस प्रोग्राम एक मुलाकात यादों के वर्क से, ये प्रोग्राम हम उन शख्सियत से के साथ करते हैं जिन्होंने अपने फील्ड में काफी महारत हासिल की होती है, और उनको सिर्फ उनके यादों के वर्क से हम जो है इस प्रोग्राम को हम लेते हैं। कि देखिए क्या होता है कि हम तो जानते ही है कि आप एक अच्छे सिंगर है, बहुत ही अच्छे सिंगर है, और मैंने तो आपकी एक्टिंग का पहलू भी देखा हुआ, तो मगर हम कुछ और भी जानना चाहते हैं कि जो हमारे सामने नहीं होता। तो बिफोर आपसे मैं कुछ आगे पूछूं, मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, जो काफी लोग हैं कि जो हो सकता है, क्योंकि नॉन कश्मीर में देख रहा था चुग साहब है यहाँ, अनिल चुग जी, काफी लोग हैं जो, हाँ जी हाँ जी, थैंक यू थैंक यू, भूमेश मल्ला जी, इम्तियाज मीर जी, नीरजा पंडित, सबको ही पता है वेल नोन सिंगर, उनके गुरु, पहले ही प्रणाम करता हूँ, वेटर्न जो है, पहले उन्होंने पंडित जो है हमारे शंभुनाथ सोपोरी जी, उसके बाद उनके सुपुत्र पद्मश्री श्री भजन सोपोरी जी के साथ ये रहे हैं, उनकी छत्र छाया में उन्होंने म्यूजिक सीखा, फिर उन्होंने मास्टर्स किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से म्यूजिक में, फिर काफ़ी ज़्यादा इनके एल्बम्स और इनके गाने, और मैं थोड़ा सा टच करना चाहूँगा जो इनके फेमस जो सॉन्ग्स थे जो सोप्स और सिटकॉम्स में आए थे, लाइक जो हमने बहुत गुलिस्तान गुल गुलशन गुलफाम जो बहुत लाइक किया था हमने, उसमें भी इनका शपथ फिल्म में था, महाराजा रंजीत सिंह जो दूरदर्शन से आया था, और मस्त मस्त जिंदगी जो जीत है फिल्मी चक्कर जो अशोक पंडित जी का बनाया हुआ था, उसमें भी इनके टाइटल सॉन्ग से हीरोइन फॉर स्पेशल टैन, काफी लंबी लिस्ट है जो मैं ज्यूरिंग क्वेश्चन आवर्स में इनसे इसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा। और अभी इनके कुछ बहुत ही अच्छे भक्ति के जो है गीत भी काफी पॉपुलर हो गए थे जी टीवी से भी, जी म्यूजिक से के दरमियान भी इनने काफी डिवोशनल सॉन्ग्स भी गाए, और एक सॉन्ग जो इनका मैं अभी आपको वीडियो भी दिखा दूंगा जो कि अनुपम खेर जी की आवाज है उसमें, जो राज पंडित जी जो इनके सुपुत्र है जो खुद भी बहुत ही अच्छे गायक है, सलीम सुलेमान ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे गायक है, उसके साथ उन्होंने उसका जो बनाया था उस टाइम उसके बारे में भी जरूर पूछना चाहूंगा, एक इनने अमिताभ बच्चन जी के साथ किया हुआ था उसके बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे आप। तो एक बार फिर आपका स्वागत है नीरजा जी, तो अब आप फील्ड आपके पास है, अब मैं बोला कम, अब आप हमें आपने पहले अर्ली लाइफ के बारे में सुनाएंगे, आप कहाँ पे पैदा हुए थे और आप एजुकेशन कहाँ हुई थी, फिर म्यूजिक का जैसे आप कहाँ पे कैसे हुआ था इसके बारे में जानना चाहेंगे नीरजा जी। सबसे पहले मैं रमेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने थोड़ा सा आवाज आपकी ना कम आ रही है, थोड़ा सा आवाज कम आ रही है आपकी, हेलो हेलो, हाँ आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, हेलो आप, हेलो हाँ हेलो, हाँ जी हाँ जी, हैं आ रही है अभी, अभी आ रही है बट थोड़ी सी कम आ रही है, मैं आपको बहुत मोबाइल का बता देंगे, मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देंगे, पहले तो ठीक आ रही थी जब आपसे बात, हेलो हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है ठीक जी। मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने मुझे इस मंच पे आज आमंत्रण दिया है और मुझे मौका दिया है बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कश्मीर के एक ऐसे जगह को बिलोंग करती हूँ जो बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। पाम्पोर एक छोटा सा टाउन है, वहाँ की मेरी पैदाइश है। पाम्पोर बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, जैसे ललेश्वरी हमारी महान शख्सियत जो कश्मीर की संत रही है, तो जिस मोहल्ले में मैं रहती थी वहीं पे ललेश्वरी का भी वो त्राग बोलते थे, लल त्राग उसको बोलते थे, जय हो, जय हो। मेरा नमन है उन हस्ती को भी, हबा खातून पाम्पोर से थी। अच्छा केसर, केसर, केसर बहुत
मशहूर पांपुर है का है। पूरी दुनिया में, और पांपोर में ऐसे खेत थे जहाँ पे केसर उगता था। बहुत सारी चीज़ों के लिए हैं, तो मैं उस जगह को बिलोंग करती हूँ, तो मेरा जन्म स्थान पांपोर है। तो मेरी एजुकेशन 10th तक पांपोर में ही हुई है। पांपोर की 10th तक मैंने वहीं पे पढ़ाई की। उसके बाद मैंने श्रीनगर मौलाना आज़ाद रोड में एडमिशन लिया, वहाँ पे मैंने कॉलेज पूरा किया। तो उससे पहले जूनियर कॉलेज वहाँ पे था, कोठीबाग जूनियर कॉलेज, छोटी बात जहाँ है। पे PUC और TDC बोलते थे उस ज़माने में, यस, इलेवेंथ अलेवन इलेवेंथ टू एंड 12th मैंने वहाँ पढ़ाई की। तो उसके बाद फिर मौलाना आज़ाद रोड से मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया है। सो ये मेरी एजुकेशन रही है। तो म्यूजिक का जी कैसे आपका रहा, म्यूजिक की जर्नी जो शुरू हुई थी, ये खानदानी था, घर में थे कुछ इंटरेस्टेड, कि आपने अलग ही कुछ इसके लिए चुना म्यूजिक का? म्यूजिक का जहाँ तक सवाल है, मुझे ये विरासत में ही मिला है। हमारी पूरी फैमिली, सारे लोग गाते हैं, ओ सारे टैलेंटेड है। तो मेरी मम्मी से मुझे मिला है ये विरासत में। मेरी मम्मी भी क्या बात, बहुत क्या अच्छी बात है। गायिका रही हैं, और उनको उनकी मदर से मिला था। मेरी नानी बहुत अच्छा गाती थी। ओ तो बचपन में जब हम फैमिलीज में शादियां होती थी, तब तो शादियां ही शादियों में ही, जैसे तुम्बक नारी पे हम लोग ट्रेडिशनल गाना बजाना करते थे। तो मेरी मम्मी के साथ मुझे बचपन से ही इस तरफ थोड़ा एक इंटरेस्ट था। तो मैं मम्मी के बगल में बैठती थी, और मम्मी रात को शुरू करती थी गाना बजाना, और सुबह ही वो उठती थी, पूरी मेहंदी रात में वो गाया करती थी। तो मैं मम्मी के साथ बैठती थी और उनको फॉलो करने की कोशिश करती थी। ये मुझे अब पता चल रहा है, एकदम छोटी जब थी, मुझे तो याद नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे स्लाइटली जब मुझे होश आया तो मुझे याद है कि हाँ, मैं भी बैठती थी तुम्बक नारी लेके और बजाती थी, छोटे छोटे गाने याद करके गाती थी। तो मुझे सब पकड़ते थे कि चलो गाओ, तुम भी गाओ, फैमिली फंक्शंस में जो हमारी शादियों में होता था। तो मम्मी को ही देख देख के फॉलो करने की कोशिश करती रही हूँ, और इस तरफ थोड़ा एक इंटरेस्ट शुरू से ही रहा है। फिर जब स्कूल मैंने ज्वाइन की, स्कूल जब जाने लगी, तो वहाँ पे भी फंक्शंस होते थे तो मुझे गवाते थे। मेरी टीचर्स बहुत प्यार करती थी मुझे, बहुत प्रोत्साहन देते रहे हैं, बिकॉज उनको भी लगता था कि ये अच्छा गाती हैं, और मुझे हमेशा वो आगे रखते थे फंक्शंस में, इवेंट्स में, तो मुझे परफॉर्म करने का एक मौका मिलता रहता था। तो उस टाइम पे हमारे रेडियो से गाने जो बजते थे, मैं बहुत इंस्पायर होती थी उन गानों की से। तो वो एक ऐसा दौर था, हमारे रेडियो से गाने जो बजते थे, मैं बहुत इंस्पायर होती थी। हमारे ये मेरा जो जी कश्मीर के वरिष्ठ गायक हैं, जिसमें कैलाश मेहरा साधु जी है, शमीमा आज़ाद जी है, आरती तिक्कू जी है, विजय कुमार मल्ला थे, और गुलाम नबी शेख साहब थे, और भजन जी ने एक रेवोल्यूशन उस टाइम लाया था। मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। जय हो। मेरे गुरु भी हैं, गुरु भाई भी हैं। तो उनके कंपोजिशंस से मैं एक अट्रैक्ट होती थी जब गाने बजते थे रेडियो पे, और मैं उनको सुनती रहती थी, और एक नोटबुक पे मैं लिखा करती थी उन गानों को। वो छोटी थी, मुझे पता नहीं था कि वर्ड्स गलत भी होते थे, बट मैं लिखती रहती थी, बट मुझे उसका म्यूजिक और ट्यून याद रहता था, और वो गाने मैं अपने स्कूल के फंक्शंस में गाया करती थी। तो मेरे सारे टीचर्स मुझे बहुत एनकरेज करते रहे। उनको लगता था ये इतनी छोटी है और इतनी अच्छे से गाती है, ये कैलाश जी के गाने, शमीमा जी के गाने, आरती जी के गाने, उनको मैं कॉपी करने की कोशिश करती थी। तो मुझे काफ़ी उन्होंने एनकरेज किया, और हमेशा ये बोलते रहे कि तुम म्यूज़िक सब्जेक्ट ज़रूर लेना। तो 10th तक मेरे म्यूज़िक नहीं था, ऑफिशियली म्यूज़िक सब्जेक्ट नहीं था कश्मीर में। उसके बाद कॉलेज लेवल पे था म्यूज़िक, क्लासिकल, जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, वो एक सब्जेक्ट हुआ करता था, है अभी भी है। तो ये एक शुरुआत मेरी तब स्कूल लेवल पे मेरी चलती रही। उसके बाद मैं कोचिंग
कोठीबाग कॉलेज ज्वाइन किया 11th में, तो मैंने एक फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू की, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सारेगामा वहाँ से शुरू किया 11th से। तो मैंने सब्जेक्ट ले लिया म्यूज़िक सब्जेक्ट, और मैं जब रेडियो में गाने सुनती थी मुझे बहुत एक अट्रैक्शन होती थी, मैं सोचती थी मैं भी कभी गा सकती हूँ रेडियो पे। एक अंदर से एक भाव उठता था कि पता नहीं मैं कभी गा पाऊंगी, मुझे भी रेडियो में गाना है। बट उस टाइम तो छोटी थी मैं, पर ये ऐसा हुआ, भगवान शायद सुन रहा होगा। तो जब मैंने 11th में ज्वाइन किया कॉलेज, तो मैंने ऑडिशन रेडियो में दिया। तो रेडियो में युवावानी सर्विस भी हुआ करती थी, जो यूथ प्रोग्राम होता था, उसमें मैं पास हो गई पहले। तो मुझे शुरू हो गया एक प्रोग्राम, महीने में एक दो बार प्रोग्राम होते थे, बुलाते थे। तो एक ग्रेट। प्रोफेशनली एक गाना शुरू हो गया वहाँ से। तो ये एक शुरुआत हो गई थोड़ा बहुत अपने गाने का, जो प्रोफेशनली एक होता है। फिर मैंने सोपुरी साहब, जो मेरे बड़े गुरु शंभुना सोपुरी जी, मैं उनको शत नमन करती हूँ, उनको मैंने ज्वाइन किया। उनके पास एक फॉर्मल ट्रेनिंग मैं लेती रही हूँ, और ये सिलसिला शुरू हो गया मेरे म्यूज़िक का सीखने का सिलसिला। तो उसके बाद फिर कॉलेज भी चलता रहा, और हम भजन जी का एक, उस वक्त बहुत वो प्रोड्यूसर म्यूज़िक थे कश्मीर, रेडियो कश्मीर में, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी भाग्य की बात थी कि उस दौरान उन्होंने काफ़ी रिकॉर्डिंग्स वो करते रहे, और हमको एज कोरल वॉइसेस बुलाते थे कॉलेज की लड़कियों को, हम सबको, जो भी म्यूज़िक डिपार्टमेंट की लड़कियां होती थी उनको सबको बुलाया जाता था कोरस में गाने के लिए, जो नई नई छोटी, मतलब हमारी एज ग्रुप की लड़कियां थी, मैं भी उसमें से एक थी। तो ऐसे धीरे 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 रेडियो पे गाना शुरू हो गया एज कोरल वॉइस, और युवावानी सर्विस पे मैं सोलो गाती थी। इस दौरान मुझे 12th में हमारी जो वरिष्ठ गायिका है श्रीमती कैलाश मेहरा साधु जी, मेरी बड़ी दीदी भी हैं, उनको मैं नमन करते हुए, उनसे मैंने एक साल 12th की पढ़ाई की है, उनके पास मैंने सीखा है। कोठीबाग कॉलेज में वो हमारी प्रोफेसर रही हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया, और मैंने मैंने जानबूझ के मैंने शिफ्ट नहीं किया मौलाना आज़ाद रोड, बिकॉज मैं चाहती थी उनके पास सीखना। तो वो एक साल उनके पास म्यूज़िक मैंने सीखा कोठीबाग कॉलेज में, और यहाँ हम रेडियो में भी उनके साथ कोरस में गाते रहे हैं। तो ये कंटिन्यू चलता रहा। जो कौन सा कोर्स था, कोई याद है आपको पॉपुलर कोर्स कोई, जो कैलाश जी ने गाया और आपने? बहुत सारे, मतलब जब मैंने पहली बार गाया उनके साथ, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैंने सचमुच में इनके साथ गाया, एंड दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग उनके साथ जो गाया मैंने एज कोरस कोरल वॉइस। तो भगवान ने शायद सुन ली थी मेरी तब तक, कि मुझे वहां तक पहुंचा दिया था। उसके बाद फिर मैं मौलाना आज़ाद रोड कॉलेज गई, तो वहां पे इवेंट्स भी होते रहते थे। तो एक इवेंट वहां था हमारा, एक ओपेरा था, इट वाज अ म्यूजिकल ओपेरा। तो हमारी प्रिंसिपल श्रीमती कृष्णा मिश्री जी थी उस वक्त, तो उन्होंने भजन जी को म्यूजिक डायरेक्टर के तौर से बुक किया। तो ऐसे तो कोरस में गाती रहती थी, तो जब उनको बुक किया तो उन्होंने कंपोजिशंस बनाई, और कॉलेज में हमारा एक बड़ा ग्रुप था जो म्यूज़िक करता था, जो हम गाते थे। तो उन्होंने सिलेक्ट किए कुछ गाने, काफ़ी गाने थे उसमें, जिसमें उसमें लवली चंद्रा जी, उसने गाया सुषमा कला, उसने गाया दर्शना मेहरा, मैं थी, तो काफ़ी लड़कियां थी जिन्होंने उसमें गाने गाए। तो भजन जी ने मुझे एक सोलो दिया, तो वो पहला सोलो था मेरा जो मैंने गाया उस ओपेरा के लिए। और वो उस वहाँ से भजन जी को लगा कि नहीं, ये सोलो गा सकती है। और जनरल सर्विस जो होती है ना रेडियो की,
वो युवावाणी सर्विस एक यूथ प्रोग्राम होता है, और जनरल सर्विस में आप फिर फुल फ्लेज्ड एक सिंगर के तौर से परफॉर्म कर को सकते हैं, गा सकते कैटेगराइज हैं। किया जाता है। जी, तो वो गाना उन्होंने मुझे दिया और बस वहाँ से उन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया, आइडेंटिफाई किया एज सोलो सिंगर, तो एक शुरुआत हो गई रेडियो की वहाँ तो से। पहला कौन सा फास्ट सोलो गाना आपका, बस वही वो तो ओपेरा याद का हो गाना, ओपेरा में जो साकी साहब ने लिखा गया था, वो मोतीलाल साकी जी, था। तो कौन सा था वो, कुछ वो याद है आपको, हबा एक दो खातून बोल, के ऊपर था। जी, बिल्कुल याद एक है। दो बोल, एक दो बोल उसको सुनना मैंने चाहेंगे आप। इनफैक्ट उसको मैंने इनफैक्ट एक में मेरे एल्बम में रिकॉर्ड किया। मेरा एक एल्बम है कॉन्गवर, वो मैंने अच्छा, जानबूझ के उसको रिकॉर्ड किया, बिकॉज मैं चाहती थी पहला गाता कि मेरा ये पहला गाना जिसमें मैं नोटिस हुई हूँ एज सोलो सिंगर, और बहुत मेहनत मैंने उसमें की। तब तो गाना भी नहीं पूरा आता था, बस सीख ही रहे होते थे, बस टूटी फूटी भाषा में, बट भजन जी को मैं बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे उस टाइम एक सोलो आपसे वो वॉइस गाना के लिए। सुनना चाहेंगे जो सोलो पहला आपका, जी हमारे जी लिए भी जरूर प्लेजर रहेगा। जरूर जरूर। सॉरी। इससे पहले मैं अपने गुरुदेव का नाम लेते हुए शुरू जय हो। करूंगी। हाँ श्योर। गुरुर् जय हो, जय हो, आनंद आनंद। तो इस तरह से आपकी जो म्यूजिकल जर्नी शुरू हुई है आपकी, तो जी, आप मुंबई कैसे पहुंच गए? मुंबई में शादी के बाद आ गई थी। ओके, 88 में मेरी शादी हुई और उसके बाद मैं मुंबई आ गई थी। जी दर्शकों को पता होगा कि नीरजा जी के हस्बैंड अशोक पंडित जी, वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, जो कि
आप लोग काफी उनको टीवी पे भी देखते होंगे, एंड द फिल्म मेकर हिमसेल्फ एंड प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स की है, उनके काफी टाइम से प्रेसिडेंट भी है। तो आप फिर शादी के बाद आप मुंबई पहुंच गए, जी तो ये म्यूजिकल जर्नी चलती रही तब। बिल्कुल चलती रही, क्योंकि कौन से ईयर में म्यूजिक आपकी ही मैरिज हुई थी? वाज इट आफ्टर दिस एग्जोडस के बाद ही हुई होगी ना? 88 में, अच्छा, 88 में। 88 अच्छा, तो जी 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 अच्छा, बिफोर एग्जोडस। अशोक जी तो उनकी फैमिली तो वही सेटल्ड थी, देवर इन जी डियर। पहले से जी हाँ जी हाँ तो वहां पे फिर आपने, अच्छा आपने ये जो आई थिंक पोस्ट ग्रेजुएशन की है यहाँ चंडीगढ़ से ही, यहाँ हमारे शहर से पोस्ट ही किया ना ग्रेजुएशन शायद? सोपरी साहब शंभुना सोपरी जी के अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो पंजाब कौन सी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, से की थी आपने? पंजाब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अच्छा जी। अच्छा तो कश्मीर में आप यहाँ डिपार्टमेंट नहीं था चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जाना पड़ा था, तो उनके मास्टर ऑब्वियसली जी, हम है। उनको बुलाते थे प्यार से, हमारे गुरुदेव को, तो उनके थ्रू वो सब डिग्री मिली है मुझे जी। तो फिर मुंबई में म्यूजिक का सिलसिला शुरू मतलब चलता रहा, उसमें आपको जी सपोर्ट अशोक जी बिल्कुल का भी काफी मिला होगा, तो उन्होंने जी आपको बिल्कुल, सपोर्ट, फैमिली क्योंकि होता ना सपोर्ट कई था फैमिलीज के, क्योंकि हाँ नेचुरली है उसका बहुत जरूरी है जब तक मैं उन्हें मिले। तो मुंबई में लेकिन आपका, तो मुंबई में जी कैसे आपके, जैसे मैं देख रहा था कि काफी आपने जो है सोप्स में, ओपेराज में, उनमें भी गाया है, तो वहां पे कैसा जी रहा आपका, किस तरह से? और मुझे ये भी देखे, बड़े बड़े उनके साथ आपने म्यूजिशियन से काम किया था, तो व्हाट वाज द जी फर्स्ट ब्रेक जो आपको मुंबई में शुरू हुआ था? जब मैं आई तो मैंने पहले क्लासिकल ट्रेनिंग शुरू की, वापस अपना जो मेरा क्लासिकल ट्रेनिंग था, सीखने का एक लगाव था मेरा, तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। मेरे गुरुजी थे, वो अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ग्रैमी अवार्ड विनर है वो, सारंगी माइस्ट्रो श्री ध्रुवा घोष जी थे, दो तो साहब जी हो। उनके पास मैंने सीखना शुरू किया पहले क्लासिकल म्यूज़िक, तो कंटिन्यू करने के लिए मेरे रियाज को और सीखने के लिए। फिर साइमल्टेनियसली मैंने पहले जिंगल्स शुरू की है, जैसे एड फिल्म्स के लिए अच्छा जिंगल्स, तो जिंगल्स की शुरुआत हो गई, और उन दिनों सीरियल्स के टाइटल्स बनते थे, टाइटल सॉन्ग्स रिकॉर्ड होते थे, बैकग्राउंड सॉन्ग्स रिकॉर्ड होते थे, तो मुझे भी मिला, कई सीरियल्स में मैंने गाया है पहला कौन सा था टाइटल जो आपको मिला सॉन्ग, था? तो कई मुझे अब याद नहीं है, बट काफी सारे टाइटल्स मैंने गाए। मैं और आपको याद दिलाता हूँ, मेरे पास लिस्ट है जी पूरी तेरे मेरे आपकी। सपने था, एंड देन सरहद था, गुलगुलशन गुलफाम के कुछ गाने किए थे मैंने, नूरजहां एक सीरियल था उसके मुकम्मल गाने था किए सारा थे, वन पे। गुलगुलशन मुकम्मल सीरियल, तो काफी सारे टाइटल्स मैंने गाए। गुलफाम का सुना सकते हैं आप, जिस टाइम याद होगा आपको? मुझे बिल्कुल याद नहीं है, उसके बैकग्राउंड सॉन्ग्स मैंने बैकग्राउंड गाए थे जो साउंड का, क्योंकि जी, वो एपिसोड्स गुलगुलशन में गुलफाम जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था, जी मतलब जी जी आफ्टर में बहुत जी ज्यादा पॉपुलर हो गया जी था। जी एक जी जी आपने फिल्मी चक्कर का भी जो है उसके टाइटल उस सॉन्ग जी जी टाइटल जी सॉन्ग जी दिया था जी आपने, जी हीरोइंस जो सोनी पे आता था उसका भी आपने टाइटल सॉन्ग जी किया हुआ। जी तो आप ये रापा अवार्ड्स जो आपको सबसे पहले मिला था, थोड़ा इसके बारे में बता, वो रापा अवार्ड। मुझे वो तेरे मेरे सपने जी टेलीविजन पे एक सीरियल आता था, उसका टाइटल सॉन्ग मैंने किया था, ललित सेन जी का म्यूजिक था उसमें, उसमें मुझे एज फीमेल बेस्ट फिल्म फीमेल वॉइस के लिए मिला था मुझे रापा रापा अवार्ड। इज आई थिंक रेडियो एंड टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट जी जी प्रैक्टिशनर्स जी एसोसिएशन जी ऑफ इंडिया, प्रोड्यूसर्स रापा एसोसिएशन, अवार्ड, वेरी जी जी वेल एंड देन उसके प्रेस्टीजियस बाद अवार्ड। एक पंजाबी सीरियल का टाइटल सॉन्ग किया था, सरहद उसका नाम था, वो भी जी सरहद, के लिए था जी, उसके लिए भी मुझे रापा अवार्ड मिला था क्या एज बात, बेस्ट फीमेल। जी। ग्रेट ग्रेट। तो नदीम श्रवण जी, इनके साथ कैसे आपका, कौन सा मतलब म्यूजिक किया था, कौन सा सॉन्ग किया जी था? जी नदीम श्रवण जी के साथ फिल्म फिल्म शुरू की थी, उनकी एक फिल्म थी ये दिल, उनके साथ मैंने दो तीन फिल्मों में गाया है, ये दिल एक फिल्म थी तो उसका गाना मैंने एक अभिजीत जी के साथ गाया था, इट वॉज़ ए डुएट सॉन्ग। उसके बाद इंडियन बाबू एक और फिल्म आई थी, वो भी नदीम श्रवण जी एज म्यूजिक डायरेक्टर थे, उसके लिए भी मैंने कुमार शानू जी के साथ गाया था। उसके बाद शीन फिल्म बनी थी हमारे उसके लिए, उसमें भी नदीम श्रवण जी का एक्सोडस म्यूजिक था और उसमें भी मैंने कुमार शानू जी के साथ गाया था, और एक बहुत, उसमें
उसका बैकग्राउंड सॉन्ग था, उसमें हम चार पांच सिंगर्स थे, उसमें भी मैंने गाया था। तो नदीम श्रवण जी के साथ फिल्म्स के लिए मैंने काफी अच्छा रहा आपका। तो एक जी शीन का एक गाना कुछ याद है आपको? वो शीन हमारे जो है एग्जोडस की पहली ऐसी फिल्म थी जी जी जो उसका एक आई गाना थिंक तो सेम। जी जी मैं गा सकती हूँ। इसमें हमने कश्मीर का एक छोटा सा एक कश्मीरी फोक म्यूजिक भी इसमें इंट्रोड्यूस किया था हमने। ये रोमांटिक गाना मैंने ही गाया था कुमार शानू जी के साथ। बहुत ही अच्छा फ्यूजन था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इसको आनंद इंट्रोड्यूस किया आया, था कश्मीरी फोक म्यूजिक को इसके साथ बहुत अच्छा मर्ज किया फ्यूजन था। टाइप का बन गया था इसमें जो नदीम साथ श्रवण जी ने साथ। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, बहुत अच्छा इसको काफी अच्छा कंपाइल करके एकदम एक अच्छा बन गया, गाना बन गया था ये। जी आपके कई और म्यूजिशियंस बड़े टॉप क्लास म्यूजिशियंस है, तो कुछ याद उनकी, जैसे एमएम क्रीम से आपके साथ किया था, ललित सेन बताया था आपने, उनके साथ एमएम भी प्रिंस किया था साहब के म्यूजिक। साथ मैंने तेलुगु फिल्मों में गाया था, हाँ वो तो उनके तेलुगु साथ के मेन। अच्छा तेलुगु तेलुगु भी फिल्म्स आपने में, गाया, क्या बात तेलुगु है। दो फिल्मों के मैं गाया था उनके साथ मैंने जी। तो उसमें और गाने में शोज कुछ दिक्कत, स्टेज हाँ लैंग्वेज की जी दिक्कत हुई कुछ इस गाने फिल्म में कि काफी प्रैक्टिस करनी पड़ी पहले? एक्चुअली मुझे लगता है हमारी जो कश्मीरी भाषा है ना तो वो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा है। संस्कृत संस्कृत अरबिक पर्शियन वो कैलियर सारा तो कुछ जो मिक्सचर हमारी भाषा जो है शारदा लिपि बोलते हैं हम, और जो हम बोलते हैं जो हमारा बोलने का एक बात करने का एक स्टाइल है जो हमारे शब्द है उसमें और कुछ मुश्किल नहीं लगता है। फिर हम सीखते भी हैं जब म्यूजिक डायरेक्टर गाना देते हैं तो थोड़ा सीख के प्रैक्टिस करके फिर उसको समझ के फिर गा देते हैं। और इसमें मैं समझती हूँ शायद भगवान की भी कुछ एक दया है, तो वो आशीर्वाद अभी है कि है मैं याद कर आपको, पाती हूँ, वो मैं तेलुगु कर वाला पाती गाना हूँ। है आपका, वो अरे दो एट लाइनें उसमें प्रेजेंट हो मेरे जाए। पास नहीं अच्छा है नहीं, सॉरी।
सॉरी, और मैंने जिनका भी मारवाड़ी आप फिल्मों में गाया है, मारवाड़ी फिल्म्स के लिए गाया है। ओके मेरे गुरुजी शंभू सेन जी रहे हैं जिनसे मैंने प्लेबैक सिंगिंग की ट्रेनिंग ली है, वो अभी है नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो उनके साथ मैंने मारवाड़ी फिल्मों में काफ़ी फिल्मों में गाया उनके लिए मैंने, और उन्होंने काफ़ी सिखाया भी मुझे मारवाड़ी जो फोक राजस्थानी फोक है, तो वो ओके एक बहुत बड़ा काफी उनका लैंग्वेज में आपने मेरे गाया लिए। है। बस ऐसे ही चलता रहा है जी। रूप राठौड़ साहब के साथ, रूप मैंने कुमार शोज राठौड़। किए हैं रूप जी के साथ, शोज किए हैं हमारे जो वरिष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर्स में से, जैसे जतिन ललित जी, उनके साथ मैंने परफॉर्म किया है, बपी दा के साथ परफॉर्म किया है, उनको भी मैं शत शत नमन करती हूँ, जय हो। अनफॉर्चुनेटली जस्ट पास रवे, तो मुझे बहुत प्यार करते थे, आशीर्वाद देते रहते थे उनके साथ, तो ऐसे ही चलता रहा है। दिलीप सेन, समीर सेन, उनके साथ मैंने परफॉर्म अच्छा किया है, ललित सेन जी के साथ काफ़ी सीरियल्स के लिए मैंने गाया है उनके साथ जी। एक आपका जो मैंने पहला गाना सुना था, जबकि वो तो शमीमा आजाद जी ने गाया था, मगर आपके गले से पहली बार सुना, जो मैंने आपको याद होगा आपको बोला था मुझे ये गाना अपनी फिल्म में, छोटी सी फिल्म बना रहा था, वो सुनना चाहूंगा आपसे। कौन ये सा ले याद कौन सा? रेवान सुनहरी वतन, ओ ये गाना जी, हमेशा रुला देता है ये गाना तो ये सबके दिल के करीब है, बहुत दिल के करीब है, और बहुत रुला जो देता है। भजन जी ने जो बनाया भी है इसको, जो सुपर बयान भी कर सकते हैं, और मैं तो उस लेवल का गा नहीं सकती हूँ, मगर मैं एक कोशिश रहती है मेरी, क्योंकि भजन जी का सारा म्यूजिक जो है ना, मैंने बचपन से ही एक उनके म्यूजिक को मैंने जैसे ना जिया है, उसको अपने अंदर पूरा लेने की कोशिश की है मैंने। उन्होंने इतने बड़े बड़े सिंगर्स से गवाया है, जो वो मैंने उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है मैंने हमेशा, तो बहुत बड़ी उपलब्धि रही है मेरे लिए उनकी तरफ से, तो मैं उनको शत शत नमन करते हुए भजन जी को ही मैं ये गाना, आप सुनना चाहेंगे तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट के तौर से मैं ये बिल्कुल प्रेजेंट सही, बिल्कुल करूंगी, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि ये शमीम जी ने जो गाया है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, उन्होंने तो आपने भी जबरदस्त बहुत गाया अच्छा है, गया, आपने भी बहुत तो अच्छा मैं गया, एक पहली कोशिश करूंगी बार और आपके गले से सुना था। प्लीज भजन जी को शत शत नमन करते हुए उनको ट्रिब्यूट के तौर से गाऊंगी। गौसूर लरन कुलित हे रघुबुद
गाना तो रुला देते था हमेशा मुझे। बहुत ही अच्छा गाना है और बहुत ही मतलब सच में आपने कहा कि जो सोपोरी साहब का इसका म्यूजिक आप बहुत, मैंने आपके गले से पहली बार सुना ये, तभी मैंने आपको उस टाइम बोला था, आपने तब मुझे पता भी नहीं था कि ये शमीमा जी ने गाया, अब आपने बोला था आप उनसे बात की। थैंक यू बहुत ही अच्छा, इमोशनल कर दिया फिर दोबारा। तो अमिताभ बच्चन की जी के साथ भी आपका सदी के महानायक नायक के साथ आपका कोई प्रोग्राम था, आई थिंक लाइव प्रोग्राम आपने किया था उनके जी, साथ जी, जी, जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए। स्टेज प्रोग्राम था जी जी जी, हमारे समीर जी जो लिरिसिस्ट है उनका इवेंट था, तो उसमें बच्चन साहब भी थे और मैंने उसमें परफॉर्म किया था। सारे बॉलीवुड के सिंगर्स। इंडिया में हुआ था, बाहर हुआ था? नहीं, यही मुंबई में हुआ था, मुंबई में ही हुआ था जी। मुझे याद है आपका बहुत पुराना एक वीडियो मैंने देखा था, छोटा सा राज आपके साथ तुम्बक नर बजा रहा जी, उसको तो राज जी, मुझे लगता कि राज जी की भी ट्रेनिंग आपसे ही शुरुआत हुई है, इसके बारे में जानना चाहूंगा। वो वीडियो हमेशा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, छोटा सा राज तुम्बक नर बजा रहा, आप कश्मीरी गाना गा रहे हो। तो एक्चुअली उसको सिखा रही थी मैं, कश्मीरी गाने सिखा रही थी, कुछ गाने हमने एक एल्बम भी किया था जब वो 10 साल का था, और उसमें 4-5-6 गाने हमने जो पॉपुलर गाने हैं कश्मीर के, जैसे कत्यु छुक नुंदबाने, रिंद पोशमाल और चोन पकुने प्रजनो में, इस तरह के रोश वाला गाने दिलवरो, तो ये 4-5-6 गाने हमने लिए थे और उसको राज ने म्यूजिक प्रोड्यूस किया था, ही हैड रिकॉर्डेड दैट म्यूजिक और उसमें गाया भी था, उसको गवाया भी था, हमने 2 डुएट गाए थे, उसने 2 सोलो और मैंने 2 सोलो गाए थे। तो उस वक्त उसने उसमें एक मॉडर्न ट्रीटमेंट, वो शुरुआती थी उसको, उस वक्त वो कर ही रहा था रिकॉर्डिंग्स और अपना उसने शुरू किया था, ट्रेनिंग उसकी चली रही थी, तो हमने उसका नाम ही क्लब मिक्स रखा था उस एल्बम का, बिकॉज वो यूथ को एक कश्मीरी फोक को कैसे हम मॉडर्न म्यूजिक के साथ मर्ज कर सकते हैं, उसको कैसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो वो उस टाइप का गाना एल्बम था, तो हमने क्लब मिक्स ही उसका नाम रखा था बिकॉज उसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट था म्यूजिकली। भाई मैंने बहुत ही अच्छा लगा था, तो इवन आई एंजॉयड दैट, मुझे याद है उस वीडियो को बार बार देखा था, 10 साल का था तब, 10 साल का था, मुझे याद है तुम बकरे बजा रहा था उसे, क्यूट सा बच्चा कश्मीरी गा रहा, सिखा रही थी गुलाम नबी शेख साहब का कंपोजिशन था, वो बहुत पॉपुलर गाना था कश्मीर में, हम जब कॉलेज जाते थे तो बहुत ही काफी पॉपुलर हुआ था वो गाना, वो गुलाम नबी शेख साहब ने ही गाया था, जून दिमने बलाए खाप चखे, तो मैंने राज को वो सिखा रही थी और उसका बजा भी रहा था बिकॉज वो तबला सीखता था, वो बचपन से पहले उसने तबले से ही शुरुआत की थी, तो तुम्बक के साथ उसने वो गाना सीखते सीखते, वो एक वीडियो है छोटा सा हमारा जी।
राज में मुझे याद आया, आई थिंक राज ने ही वो जो अनुपम खेर के साथ आपने कश्मीर के नाम से एक वेरी इंटरेस्टिंग जो वीडियो राज निकाला। ने म्यूजिक प्रोड्यूस किया है। जी, अगेन वो भजन जी की कंपोजिशन, जबरदस्त कंपोजिशन है बहुत एक्चुअली। अच्छी कंपनी। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, वो गाना एक फिल्म का गाना था, एक फिल्म बनी अच्छा थी कश्मीर पे, तो उसका गाना था वो, तो लिरिकली जबरदस्त गाना था, सागर सहराई साहब ने लिखा था, और बहुत अच्छा लगा था मुझे वो गाना, क्योंकि उसमें जो भाव थे, कश्मीर अपने आप पे एक अफसोस कर रहा है कि मेरे साथ ही क्या हुआ, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू था, और मुझे अंदर से लगा कि नहीं, ये मुझे रिकॉर्ड करना है, बिकॉज मैं एक हम मिनट आपसे इतनी। ले, तो मैंने वो गाना इसमें ना अभी शेयर करने के लिए रखा हुआ, तो जी, मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को एक बार। राज ने मैं पूरा म्यूजिक प्रोड्यूस किया उस गाने का, रिप्रोड्यूस कंपोजिशन, ओरिजिनल कंपोजिशन भजन जी का। गूंजेगी लोरियां गलियों में, एक मिनट थोड़ा विस्तार से करता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। चलेगा काफिला यारों का साथ, सजेंगे शिकारे दुल्हन से, लहराती झीलों की बुझेगी प्यास, गूंजेगी लोरियां गलियों में, फिर बच्चों की किलकारियां बांधेगी समा, फिर लिखी जाएगी एक नई कलम से कश्मीर की तकदीर। चादर है ऋषियों मुनियों की, यहां बसते हैं पीर फकीर, मिट जाएंगी दूरियों की बनाई हुई हर वो लकीर, इस बार हम छोड़ेंगे कश्मीर पर अपनी तासीर, फिर लिखी जाएगी एक नई कलम से कश्मीर की तकदीर। नार करना, जमानस
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब इसके एक एक अल्फाज भी, आप लोगों ने लोकेशन पे जाके शूटिंग की है वो सबसे बड़े, इसका जो एक वीडियो भी बहुत अच्छा बना है, कश्मीर जाके आपने वहीं पे शूटिंग किया जहां से दर्द उभरता है इसका, बिल्कुल बहुत ही अच्छा वीडियो बनाई है, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया। तो ये आइडिया किसको आया था वैसे? ये राज का ही आइडिया था कि आप लोगों ने खुद मिलके इसका एक बनाया था? मुझे जब मैंने ये गाना सुना था, फिल्म का गाना किसी और ने गाया था, भजन जी ने गवाया था, और मुझे लिरिकली जबरदस्त रिच लगा ये गाना, क्योंकि ये 6 अंतरे का गाना है, बहुत बड़ा गाना है ये। पर इसमें वीडियो तो हम ज्यादा लंबा नहीं बना सकते हैं, बिकॉज आजकल का जमाना इतना लंबा नहीं सुन सकता है, तो वीडियो एक लास्ट अंतरा जो इसकी एक पॉजिटिव थॉट थी कि कश्मीर कहता है कि मैं अब अपने बच्चों को वापस लाना चाहता हूँ, बहुत ही टचिंग है वो। तो हाँ, तो वो मैंने एक अंतरा इसमें रखा, बाकी 5 अंतरे भी जबरदस्त है। मतलब आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उनका भाव कितना सुंदर है, और बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा था सागर सहराई साहब ने। और फिर ये भजन जी की कंपोजिशन, मेरा ऑलवेज ये रहा है कि भजन जी का कुछ भी होता रहा है और मैं उसको कोशिश करती रही हूँ, तो मुझे लगा नहीं इसको मैं रिकॉर्ड करूँगी, तो मैंने परमिशन ली, जो इसके प्रोड्यूसर थे सुरेश गोस्वामी जी, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे इसके फिल्म के, जियारत फिल्म का नाम था, जियारत तो उनसे, जियारत फिल्म का नाम है, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर मैं ये रिकॉर्ड करना चाहूँगी ये गाना, तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल बेशक करो, आप जो मर्जी करो आप। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी और मैंने इसको रिकॉर्ड किया, और फिर राज ने पूरा म्यूजिक प्रोडक्शन एंड रिकॉर्ड पूरा राज ने ही किया कम्प्लीटली, तो फिर हमने कश्मीर जाके इसका वीडियो शूट किया, और पूरा लास्ट में फाइनल फिर राज ने ही किया सब एडिट वेडिट पूरा वीडियो इसको कंपाइल। फिर इसमें भी एक अवार्ड मिला है हमको आर्टिस्ट अलाउड जी, बॉलीवुड हंगामा अलाउड अलाउड अवार्ड, यस यस आर्टिस्ट अलाउड अवार्ड, यस यस अलाउड अवार्ड, ने इसको अवार्ड दिया फोक कैटेगरी में जी। तो आपने, क्योंकि फोक पे भी मैं देख रहा हूँ काफी आप काम कर रहे हो, तो इसमें अभी कुछ नया कुछ लेके आ रहे हैं क्या आप, जो लेटेस्ट जो काम कर रहे हो कश्मीरी फोक में खासकर? बस ऐसे ही चलता रहता है, कुछ कुछ धुनें बनती रहती है और मैं उसको रिकॉर्ड करके अपना फेसबुक पे डालती रहती हूँ। मैं बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ बनता रहता है, तो मैं कोई कंपोजर वैसे ऑफिशियल कंपोजर नहीं हूँ, बट ये है कि बस टूटा फूटा जो बनता है और उसको मैं अपनी जगह रिकॉर्ड करती हूँ अपनी खुशी के लिए, और वो अच्छा लगता है सुनने में भी अच्छा लगता है लोगों को और पसंद भी करते हैं, तो चलता रहता है कुछ कुछ बनाती रहती हूँ मैं, करती रहती हूँ। गुरु तेग बहादुर जी पे भी आपने एक शब्द जी, वो एक बड़ा एल्बम था, वो भी पंडित भजन सोपुरी जी की म्यूजिक थी। अच्छा, वो भी सोपुरी साहब का ही था जी? हाँ, बहुत बड़ा एल्बम था, उसमें सारे गान सिंगर्स जो हमारे कश्मीरी सिंगर्स है उनको गवाया था, धनंजय मैं थी, लवली चंद्रा थी, उषा हंडू थी, और काफी सारे प्रियदर्शनी मट्टू, तो राजेंद्र काचरू जी से गवाया था, तो ये पनन कश्मीर, एक पनन कश्मीर ने ये एल्बम किया था, तो इसको हमने आनंदपुर साहब में रिलीज किया था इस एल्बम को, तो ये बहुत बड़ा एल्बम बना था उनका, बहुत ही अच्छा एक हार्ट टचिंग जी, बिल्कुल। इसके इसमें मैंने एक डुएट गाया था धनंजय के साथ गाया था, तो मैं एक आध कपलेट, अभी लिरिक्स मेरे सामने नहीं है, मैं गाती हूँ इसको। चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़ी, चित चरण कमल का
आसरा चित चरण कमल संग जोड़ी मन लोचे, बुरियाया मन लोचे आसरा चित चरण कमल संग जोड़ी चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोड़ी गुरु तेग बहादुर बहादुर बोलिया धर पाई धर्म ना छोड़िए चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोड़िए चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोड़ी। So nice, so soothing। एक अभी आपका टी सीरीज के साथ जय हनुमान जी कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स भी भजन वो भी जरूर सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि टाइम अभी है हमारे पास, वी कैन टेक एक्स्ट्रा टाइम, तो वो जरूर सुनना चाहेंगे जो टी सीरीज के साथ अभी आपके निकले। जय जय सीता राम बोलो जय जय सीता राम जय जय सीता राम बोलो जय जय सीता राम साथ में माता रा का नाम ध्यालो जप कर सीता राम साथ में माता रा का नाम ध्यालो जप कर सीता राम सीता जी के नाम में है माता रा का तार राम जी के नाम में है माता रा करा सीताराम 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 जय जय सीताराम बोलो जय जय सीताराम जय जय सीताराम बोलो जय जय सीताराम साथ में माता रा का नाम ध्यालो जप कर सीता राम सीता जी के नाम में माता रा का तार
राम जी के नाम है माता राधारा। सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम बोलो, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम बोलो, जय जय सीताराम। जय हो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो काफी लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा था, कुछ नाम मैं पढ़ना चाहूंगा। भारत पंडिता जी भी है, रविंदर भट्ट जी भी है, संजय तिकू, सुधी कल्लू जी, हरीश पंडित, गिरजा रैना, प्रयास, रजनी रैना, सरला पंडित, अशोक पंडित, अशोक पंडित माय ब्रदर, सो अशोक पंडित जी इज इन कैनेडा, अशोक पंडित, काफी लोग अभी भी जुड़े हैं हमारे साथ, ऑलमोस्ट वी आर 29 स्टिल देयर। और अभी एक पहलू आपका और भी है, 8 बज गए हैं, बट वी कैन टेक मोर टाइम, मैं पहले एडमिन से इजाजत ले चुका हूं, 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूं। एक पहलू जो आपका मैंने देखा था, हम लोगों ने सबने देखा है, वो एक्टिंग का, एंड दैट वाज रियली सरप्राइजिंग। तो पहले मैं वो दिखाना चाहूंगा, फिर आपसे इसके बारे में पूछना चाहूंगा। ये हमारी ईद जाती है, क्या भी वो इस सुबह सुबह आज बटवाए दो, काद भी कौन हो अब नहीं ये क्या शख्स ज्ञावन के हने से हुन में के ताच पन कम लगावनी छक नाम पहिलीश कर कम लगाव नशे नहीं अगर आसे पेट हश तईजाम दोहसे मजई कन्यथ सोरुई गाम। क्या 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 बोलो, क्या नशनी क्या गाम क्या क्या नहीं क्या शस वनन की ने क्या होनु तले बोजन छोई का तुम्हें बोझ बोझ जिगर से आलो करा नियर नियर आलो छे करन जिगर करो सपोर्ट नहीं सही गाछस बके हाई जी गाछस वन लागम खबर कत काय में आई थी कत्ता लो मई नाम पोछ फाश तले मुखोला ये सर पनन संदूक संदूक हाय जिगरी जिगरी हाय वानी क्या है चक वानन से हाँ जिगरी वन्य तो है सब शायद भुलावन तो अच्छा ना ये सास जिगर ने सेलिब्रिटी चक अच्छे वन गश्ता बोल रहे कोच गए खुश के में खबर बोझ बोझ जिगर करो न एंटरटेन ऐश के लिए ये छा बरकत का बकारो तो एंटरटेन जिगरी बैचस असे नोश कम करान दो हस्ते रात तो जी छम निजाम गचाम है खुश है जिगरी यह छै अख अपजर पानस तरीब करन छसन तर बानन साबन छस रोजान लर कैथी कैथी पाम। और आपने इतनी नेचुरल एक्टिंग की है इसमें, तो आप कहते हैं कि मुझे एक्टिंग नहीं आती, बट इसमें बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग आई है, तो इसका कैसे, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। इट वाज आई थिंक ड्यूरिंग लॉकडाउन। हाँ लॉकडाउन उसमें जैसे ना सब लोग घर पे ही बैठे थे, और एक्चुअली जो ये टोन है ये अनंतनाग स्टाइल है, ये अनंतनाग हमारे हाँ जी, मेरा पूरा मातामाल साइड जो है, नानी के साइड के सारे रिलेशंस मेरे अनंतनाग को बिलोंग करते हैं, तो बचपन से वो टोन सुनते सुनते और हमारे रिलेशन में सारे भाई बहन जो भी है, तो ये अंदर खून में ही है हमारे। एंड देन हमारी फैमिली में भी एक ह्यूमर है, एक विरासत में ही एक ह्यूमर थोड़ा बहुत है हमारी फैमिली में, तो ये टोन जो है ये बस भाषा उर्जो क्रिएशन उनका एक अपना चैनल है, भाषा वो सुमली थी, भाषा सुमली हमारी जो बहुत अच्छी मानी हुई एक्ट्रेस है, हाँ जी हाँ जी, राइटर भी है एक्ट्रेस भी है, और काफी आजकल अभी तो उसने कश्मीर फाइल्स में भी इतना अच्छा बढ़िया रोल किया था, जी जी जी, तो काफी प्रसिद्धि हासिल की उसने उसमें भी,
तो उसने स्क्रिप्ट भेजी और कहने लगी मैं छोटा सा एक स्किट बना रही हूँ। मैंने कहा मुझे एक्टिंग नहीं आती है। बोलती है नहीं नहीं आप जैसे बोलोगे वो हो जाएगा। तो सुषमा कल्ला भी इसमें है जो मेरी फ्रेंड है, काफी क्लोज मेरी बचपन की सहेली है, तो हमने साथ में ही इनफैक्ट कॉलेज टाइम से हम साथ में ही रहे हैं और सीखा है साथ में, गुरु बहने भी हैं हम लोग। तो उसको भी भेजा मुझे भी भेजा, तो हमने कहा ठीक है अभी अपना अपना पोर्शन रिकॉर्ड करके भेज दिया और वो क्लिक हो गया। मुझे कुछ नहीं पता ये ठीक हुआ कि क्या हुआ, बट उसने फिर उसको अच्छे से एडिट किया और हो गया, बिकॉज ये एक नेचुरल टोन जो हमारा है वो कश्मीरी वो अपने आप ही निकल गया। मुझे कुछ नहीं पता गला है क्योंकि मैं गया एक्ट्रेस तो हूँ तो फेशियल नहीं एक्सप्रेशन एक्ट्रेस, भी आपके काफी अच्छे हैं, जो काफी अच्छा रहा इसमें। बस वो तो हो ये गया, मुझे कराने कुछ नहीं के पता, वो जान ये बूझ के मुझे दैट्स व्हाई आई कुछ वाज नहीं। रियली सरप्राइज्ड टू फाइंड यू डूइंग द वंडर। मैंने आपको मैसेज भी डाल दी कि सब मतलब बहुत ही एंटरटेनिंग है ये। एक्चुअली मुझे सो माइक देख के या कैमरा देख के मैं अभी भी बहुत कॉन्शियस होती हूँ, मुझे आपके स्ट्रेस रहता है। और ये घर कैसे में तो हो कैमरा गया, घूमते रहते हो। ये कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता है, बस एक ब्लेसिंग ही थी शायद और बन गया जी। अभी यहाँ नेत्रा जी के डैडी लिख रहे थे, नेत्रा जो हमारी एक अच्छी सिंगर है बिटिया, जी तो वो माँ का कुछ भजन कह रहे थे। बट मैं मेरे को कई जो आ रहे हैं कि एक कश्मीरी आपके भजन सुनना चाहते हैं, तो मुझे लगता भजन है कि एक कश्मीरी भजन हो जाए, कशुर जी भजनाक। जी 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 मैं एक सूफियाना भजन सुनाऊंगी जो मेरे बहुत ही सुंदर। एल्बम का है, रूहानियत मेरा एक एल्बम है, मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ के लिखे हुए, भाग्यवानी पंडित जी मेरी क्या ग्रैंड मदर इन लॉ बात, थी क्या और बात। उनके उनके ही लिखे हुए गाने थे इसमें, इस एल्बम में रूहानियत में। और ये मेरा पहला एल्बम था और पंडित भजन सोपुरी जी का म्यूजिक है, जैसे मैंने पहले भी कहा उनको शत शत नमन। तो ये जय मैं हो। गाना चाहूंगी क्योंकि सूफियाना भी मेरे काफी क्लोज है, सूफियाना म्यूजिक सूफियाना आप तो गायक, स्पिरिचुअल फैमिली से ही तो हो। सूफियाना स्टाइल में इसको कंपोज किया है भजन जी ने और ये मैं पेश करना चाहूंगी। आंकुस बहाने करी करी लोल बरी
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आ रहा, मन ही नहीं कर रहा आपको छोड़ने का अभी। रविंद्र पंडिता जी हमारे शारदा मिशन वाले, वो भी आपको प्रणाम भेज रहे हैं। मेरा नमस्कार उनको। तो यहाँ पे हमारे रविंद्र पंडित जी दो है, एक रविंद्र पंडित बहुत हमारे अच्छे सिंगर है वो भी है, और अभी भी काफी लोग हमारे साथ, अनंता लिख रही है स्टिल वी आर 40+ पीपल हियर, तो काफी आनंद आ रहा है। तो मैं आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट वो नेत्रा बिटिया ने कोई फरमाइश की थी, कोई पंजाबी भजन शायद उन्होंने माता का। अब आपका लास्ट, नेत्रा है सेंडिंग रिक्वेस्ट टू नीरा जी, प्लीज सिंग हर फेवरेट भजन, जोग मास सुंदर हो, बाद में लिखते हैं, प्लीज प्लीज आंटी जी। कौन सा, कौन सा? जोग मास सुंदर हादो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या, कुछ ये मेरे ख्याल पंजाबी है, ये माता का भजन है। चलिए हाँ, कोई आप कुछ जो अपनी पसंद, जो आपकी सबसे, मतलब आई वॉन्ट टू क्लोज विद दैट, जो आपको सबसे अपनी पसंद का, जो कहते हैं फेवरेट होता है, तो उस कश्मीरी, वो कश्मीरी, एक कश्मीरी गाइए तो तिमखुद क्या गए शासन, तिमखुद क्या। हाँ, मैं एक छोटी सी मेडली गा देती हूँ जिसमें थोड़ा अलग अलग फॉर्म्स होंगे, कश्मीरी फोक फॉर्म्स होंगे, मेडली बस क्लास आएगा, बढ़िया बढ़िया जी जी, बार बार करो गंदी प्र
सुंदर 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 सुंदर, बहुत ही आनंददार। गिरिजा रैना जी भी लिख रही थी कि हम जिद करते थे कैलाश महाराज साधु जी से कुछ जो बीच में आपने गाने गाए ना उनके, तो उनको सुनाने के लिए। मधुलता पंडित काचरू जी वो भी हमारे साथ जुड़ी है, स्वासनी दर जी जुड़ी हुई है, पिंकी, शुभम कोल, रत्ना दर जी फ्रॉम कैनेडा, रविंद्र पंता जी, अभी भी हमारे साथ 30 से प्लस लोग जुड़े हैं और ये बहुत कम होता है।
और आज अभी 8:20 हो गए, हम 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम भी ले चुके हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मगर वक्त की पाबंदी है, मैंने 15 मिनट एक्स्ट्रा मांग गए, 5 मिनट और लेके गया हूँ। आपसे बात करने में बहुत ही आनंद आ रहा, बट जाना पड़ेगा, वक्त की पाबंदी है। मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत फिर एक बार शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया करता हूँ आपको कि आपने इतना अच्छा हमारे साथ सेशन किया। फिर मिलेंगे दोबारा आपसे, जरूर जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपकी टीम के लिए और आप सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और जो यहाँ पे हमको सुन रहे थे, देख रहे थे, उनको भी मैं बार बार नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जरूर जरूर, आप बाद में कमेंट्स लिख देख लीजिएगा, हो सके तो किसी किसी को जवाब भी दे दीजिए, खुशी होती है सबको। थैंक यू सो मच, नमस्कार नमस्कार। तो ये अभी हम नीरजा पंडित जी के साथ थे, सही कहता हूँ, मन नहीं कर रहा था, आनंद आ रहा था, खासकर जब लास्ट में इन्होंने जो मेडली सुनाई कश्मीरी की, बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा था, मगर वक्त की पाबंदी है। और मैं आप लोगों का सबका शुक्रगुजार हूँ जो अभी तक 30 से प्लस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होती है इसमें, यहाँ नाम नहीं आते, मुझे मोबाइल पर देखना पड़ता है। सबका शुक्रगुजार हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई शख्सियत के साथ, फिर यादों को ताजा करेंगे, यादों के वर्क से एक मुलाकात करेंगे। और जो गॉड ब्लेस यू ऑल।